हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे माला जाप करने वाली पोटली कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे एक रजिस्टर का पेज, उसको हम हाफ फोल्ड करेंगे लेंथ वाइज और फिर उसके बाद एक सेकंड फोल्ड लगाएंगे विड्थ वाइज। अब इस पर हम एक सेमी सर्कुलर मार्क ड्रॉ करेंगे ओपन फ्लिप साइड से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पेन से एक मार्क ड्रॉ कर रही हूँ सेमी सर्कुलर फॉर्म में। आप देख ही सकते हैं मैंने एक सेमी सर्कुलर फॉर्म बना ली है अपने पेपर पर। उसके बाद हम एक सीजर की हेल्प से उसे कट करेंगे। मैंने सीजर की हेल्प से उसे कट कर लिया है और जो मेरा पैटर्न है वो मुझे कुछ इस तरीके से मिला है। आपने देखा होगा फ्लावर की तरीके से, फ्लावर की जैसे लीव्स होती है उस तरीके से ये शेप आई है कुछ हमारी। पोटली बनाने के लिए मैंने यहाँ दो सूती कपड़े लिए हैं, येलो कलर जो मेरा एक्चुअल फैब्रिक रहेगा और सेकेंड मैंने लिया है ये ऑफ वाइट कलर जो कि मेरी लाइनिंग पार्ट रहेगा। अब जो हमने पेपर पर पैटर्न बनाया है उसे लेंगे। हमें इस पैटर्न के टोटल 8 पीसेस चाहिए। 4 हमें चाहिए एक्चुअल फैब्रिक के जो आप ऊपर रखना चाहते हैं और 4 हमें चाहिए लाइनिंग पीस। अब मैं यहाँ पर अपना एक्चुअल पैटर्न जो है वो ट्रेस करूँगी। आपको अपना पैटर्न ठीक तरीके से ट्रेस करना है, नहीं तो आपकी शेप बहुत ख़राब आएगी। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं मैंने अपना पैटर्न ट्रेस कर लिया है। अब मैं अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड दूंगी क्योंकि मुझे 4 पीसेस चाहिए एक्चुअल फैब्रिक के। आप वीडियो में देख ही सकते हैं मैंने किस तरीके से उसे 4 फोल्ड किया है। अब मैं सीजर की हेल्प से अपने पीसेस कट कर लूँगी। आप कटिंग से पहले ध्यान रखिएगा जो आपका फैब्रिक है वो आयरन हो। अगर आयरन नहीं होगा तो सिलवटों की वजह से आपका जो फैब्रिक है वो ऊपर नीचे हो सकता है। आप देख ही सकते हैं मैंने कितने नीटली अपने चारों पीसेस कट कर लिए हैं। अब हम इसी तरीके से अपना लाइनिंग पोर्शन भी कट करेंगे। मैंने अपनी लाइनिंग को पहले से ही 4 फोल्ड करके रखा हुआ था। अब मैं लाइनिंग पर भी सेम जैसे मैंने एक्चुअल फैब्रिक पर अपना पैटर्न ट्रेस किया था वैसे ही मैं लाइनिंग पर भी ट्रेस करूँगी। ट्रेस करने के तुरंत बाद ही मैंने वो पीसेस काट के रखे हुए थे तो ये रहे मेरे चारों पीसेस। अब हम एक पीस लेंगे एक्चुअल का और एक पीस लेंगे हम लाइनिंग पोर्शन का। हम ध्यान रखेंगे जो सेम साइड है, मतलब जो हमारी ऊपर वाली तरफ होती है, हम उसे एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे, एक के ऊपर एक। आपको अच्छे से लाइनिंग पीस और एक्चुअल पीस को मिलाना है। फिर उसके बाद मैं इसे यहाँ पर कर रही हूँ पिन बास्टिंग। पिन बास्टिंग मतलब जिसे हम हिंदी में कहते हैं कच्चा करना। अगर आपके पास पर्ल पिन नहीं है तो आप इसे सुई धागे की मदद से भी कच्चा कर सकते हैं।
आपको पिन पास्टिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा सा पोर्शन एक फिंगर जितना उसमें स्पेस छोड़ना है स्टिचिंग करते वक्त। आप वीडियो में देख ही सकते हैं मैंने अपनी स्टिचिंग कर ली है और पूरी स्टिचिंग नहीं की है, एक साइड से जैसे मैंने आपको कहा था एक फिंगर का गैप रखना है मैंने रखा है क्योंकि हमें इसे अब रिवर्स करना है। अब मैं फिंगर की हेल्प से बिल्कुल जो कॉर्नर वाला पार्ट है उसे दबाऊंगी और रिवर्स कर दूंगी। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने इस तरीके से अपने फैब्रिक को रिवर्स कर लिया है। रिवर्स करने के बाद आपको ये फैब्रिक कुछ इस तरीके से दिखेगा। रिवर्स करने के बाद आपको वो जो पोर्शन ओपन था उसे भी स्टिच कर लेना है। मैंने पहले से ही एक पीस स्टिच करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से। ऐसे ही आपको चार पीसेस बना लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, दो पीसेस को एक्चुअल की साइड से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और एक साइड से सिलाई लगा देंगे। मैंने पहले से ही सिलाई लगा के रखी हुई है, आप देख सकते हैं स्टिचिंग करके ये कैसा दिख रहा है। ओपन करके देखते हैं, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक साइड से क्लोज और एक साइड से फ्लिप। ऐसे ही आपको दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है। अब हमने जो दो पीस रेडी किए हैं उसे लेंगे। ये फाइनल पार्ट थोड़ा ट्रिकी है तो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। अब हम दोनों पीसेस को रखेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले दो पीसेस ऊपर रख के सिलाई लगाई थी। अब हम इन दोनों पीसेस को जो हमारे दो जॉइनिंग है उसे जोड़ेंगे। एक हमें हाफ जोड़ना है, दूसरा हमें इस तरीके से जोड़ना है जैसे हमारी एक फिंगर या एक अंगूठा बाहर आ सके। मैंने अपनी पोटली स्टिच कर ली है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी शेप आई है। और मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके कि कैसे हम हाथ अपना डाल सकते हैं और उसकी अपोजिट साइड में हम अपनी फिंगर इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ हाथ अपना और फिंगर, ऐसे आप माला जाप कर सकते हैं। ये तो अभी बैक साइड है, अब हम इसे टर्न करेंगे। मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ कि हमारी पोटली कैसी दिख रही है। आप अच्छे से टर्न कीजिएगा, मैंने तो ऐसे ही टर्न कर लिया है। अब आप देख सकते हैं माला जाप करते वक्त आपकी पोटली कैसी दिखेगी।